हेलो बच्चों, देखो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। एक्चुअली में देखो, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, काफी पढ़ा था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब हम ये सवाल पैदा होता है कि अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या कितनी फोर्स से रिपेल करते हैं। इसका जो बेसिक लॉ था, इसकी जो कैलकुलेशन थी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना एग्जर्ट हो रहा है पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो हमें कूलम्स लॉ बताता है। देखो, कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस को, अभी हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि वैक्यूम में रख देते हैं आर डिस्टेंस पे, क्यू वन मैग्नीट्यूड है एक चार्ज का, क्यू टू मैग्नीट्यूड है दूसरे चार्ज का, ठीक है। इनको आर मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमें सबसे पहले कूलम्स लॉ बताता है कि जितना ज्यादा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन उतनी ही ज्यादा लगेगी। फर्स्ट लॉ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात में ये कहता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस करोगे बच्चों, उसके स्क्वायर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कम हो जाएगी। यानी हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो उसके स्क्वायर में फोर्स कम होगी, डबल करेंगे तो चार गुना कम होगी, ट्रिपल कर देंगे तो नाइन टाइम्स कम हो जाएगी, लेकिन हाफ कर देंगे तो चार गुना फोर्स बढ़ जाएगी। वन हम डिस्टेंस और हमने कम कर दिया, वन थर्ड रह गया तो नाइन टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रख लेना, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, लाइक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके हम सिमिलैरिटी करेंगे आगे, ठीक है। उसी की तरह आपने 11th में पढ़ा, ठीक है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया ये भी, ठीक है, जस्ट लाइक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक साथ करके लिख दिया और प्रोपोर्शनल से इक्वालिटी भी लाए बेटा, तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगता है, याद है आपको 11th क्लास में पढ़ा था आपने, तो परपोज़ से इक्वलिटी में लाते हैं तो ये कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट हुआ, इसकी वैल्यू, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी व्हिच वी शैल डिस्कस इन सम आवर नेक्स्ट क्लासेस, ओके। अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि परपोज़ से इक्वलिटी पे आया तो हमने कांस्टेंट लगाया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है बेटा। यानी वैक्यूम में दो चार्जेस एक दूसरे से कहीं दूरी पे, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, उतनी दूर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब वैक्यूम से इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम से इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, और वैक्यूम से इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं का मतलब वैक्यूम को ट्रेवल करने दे रहा है तभी तो ट्रेवल कर रही हैं। तो वैक्यूम कितना परमिशन दे रहा है, किस एक्सटेंट तक वैक्यूम उनको परमिशन दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है, परमिटिविटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्योंकि इतनी दूर रहते रहते हो ही नहीं सकता था यदि वैक्यूम उनको परमिशन नहीं देता, तो डिग्री ऑफ परमिशन, टू व्हाट एक्सटेंट द वैक्यूम परमिट देम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, उसी से तो तय होगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, आपको पिछली क्लास में हम इसके बारे में बता चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 8.854 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। वैक्यूम इतना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी भी क्या, तो 1 अपॉन 4 पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट आपको समझ में आ गया होगा वैक्यूम की परमिटिविटी, ये सारा का सारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाती है ये वैल्यू,
क्या कहलाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो 1/4πε0 को हम के भी लिख सकते हैं, ठीक है, के इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लॉ को इसीलिए के लिख देंगे, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और के की जो वैल्यू होती है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, के इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, के की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। याद रखना 11th क्लास में जी की वैल्यू आपको फाइंड याद थी ना, जी की वैल्यू कितनी होती बेटा, 6.67×10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो मासेस m1 एंड m2 हैं, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी बेटा जितना ज्यादा इनके मासेस का प्रोडक्ट होगा, m1 और m2 के मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगी। सेकेंडली इट इज ऑल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जितना ज्यादा इनके जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर में फोर्स कम होगी। ये पढ़ा था ना, याद आ रहा है आपको, ग्रेविटेशन फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर था, ठीक है, ओके। तो ये लॉ आप इससे ठीक मिलता जुलता आपको ये लॉ नजर आएगा 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनकी खास सिमिलरिटी ये है, इसमें मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसमें एक डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कहीं गुना ज्यादा होता है, और दूसरा बात ये भी है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है नेचर में, जबकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ओके। बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद दिला देगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, न्यूटन कूलम्स लॉ, ठीक है। इन दोनों के सिमिलैरिटी भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। ठीक, इस तरह का एक लॉ आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है, ओके। अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, इससे पहले ये तो हमने बताया कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4πε0, मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चे, ठीक है, ओके। एप्सिलॉन नॉट इज क्या, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, यानी वैक्यूम कितना परमिशन दे रहा है। तो इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैक्यूम में है, एफ इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ओके बेटा। ये तो था कि दो चार्जेस यदि वैक्यूम में रखे गए हैं तो इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये Q1 चार्ज है, दैट इज Q2 चार्ज, एंड इफ दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस लॉ, दिस रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ओके, ठीक है। अब बेटा एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होगा यदि हम इनको वैक्यूम में न रखे, किसी और मीडियम में रख दें, तो If we keep them in another medium, कोई भी medium हो सकता है, पानी हो सकता है, वो आपका alcohol हो सकता है, वो spirit हो सकती है, वो कोई gas हो सकती है, hydrogen gas है पूरी की पूरी, ठीक है, या फिर CO2 के medium में रख दिया, सिर्फ और कुछ भी नहीं है, CO2 है,
कुछ भी हो सकता है, ओके, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है कोई और, तो उस मीडियम में यदि हम उतने ही डिस्टेंस से उन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस को, क्यू1 और क्यू2 मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम, सिर्फ हमने मीडियम चेंज कर दिया है, तो कितनी फोर्स लगेगी इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कैप्ट इन अनदर मीडियम having value of electrical permittivity between them epsilon. यदि epsilon है बेटा electrical permittivity, समझ रहे हो, epsilon not है vacuum में, कोई भी medium और है उसके बीच में epsilon है permittivity, the electrostatic force द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय किस फॉर्मूले से मेरे बच्चों, एफ इजिकल टू 1/4πε(q1q2)r² ये एप्सिलॉन इज व्हाट, इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द मीडियम कैन बी एनीवन, ओके, कोई भी मीडियम हो सकता है, ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड, इसको एफ एम के हिसाब से मैं मान रहा हूं, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ओके, बात समझ में आ रही है, अब बेटा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाता है बेटा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q1 q2 / r² और अपॉन वाली चीज है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बेटा, 4πε(r² / q1 q2, ओके, q1 q2 कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, अब हमारा बचा f नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू बचा epsilon अपॉन epsilon नॉट, दिस रेशियो इज कॉल्ड, ये जो रेशियो है बेटा, दिस रेशियो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस रेशियो को बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, एप्सिलॉन आर, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, और हम इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बात समझ में आ रही है, के, सो व्हाट इज के को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, के को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, के को कैसे डिफाइन करेंगे, के या एप्सिलॉन नॉट आर, के और एप्सिलॉन नॉट आर, इसको हम के भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम ये कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम, ठीक है, वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हैं उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है, और उन्हीं सिस्टम ऑफ चार्ज को उतने ही डिस्टेंस में किसी और मीडियम में रख देंगे तो उनके बीच में कितनी फोर्स होगी, कि उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस को मीडियम में रखेंगे, किसी भी मीडियम में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए, यानी परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, वैक्यूम कितना परमिट करेगा वो रहेगी वैल्यू नीचे, और मीडियम कितना करेगा वो वैल्यू रहेगी ऊपर, ध्यान रख लेना, तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बात समझ में आ रही है बेटा,
तो ये तो इसका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें हमने अभी पढ़ा कूलम्स लॉ क्या है। ठीक है, कूलम्स लॉ के बाद कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ से कैसे सिमिलर है और क्या कैसे अलग अलग है वो भी पढ़ लिया बेटा। दूसरा, दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, मीडियम में रखेंगे तो कितना उनके जो फोर्स लगेगा, फिर उन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है वैक्यूम में रखेंगे तो कितनी फोर्स लगेगी अपॉन में किसी और मीडियम में उतनी उन्हीं चार्जेस को उतनी दूरी पर रखेंगे तो कितनी फोर्स लगेगी, उन दोनों का रेशियो कहलाता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद रख लेना, या रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन आर या के। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? सो ये आपका एक टॉपिक कूलम्स लॉ का थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम और फिर फोर्सेस के बीच में कैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में हम जस्ट अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।